बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक्स की जानिब। आज हमने क्या डिस्कस करना है, आपको पता है यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे नंबर्स। लेट्स सी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सर्कल नंबर एज प्रीडिसेसर और सक्सेसर, देन पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पास आपके सामने जो नंबर्स हाईलाइट किए हुए हैं, आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी कि क्या वो सक्सेसर हैं या वो प्रीडिसेसर हैं। और आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है, आपके सामने दो नंबर्स होंगे, आपने उनको कंपेयर करके देखना है कि वो क्या बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। आपको पता है सक्सेसर बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं और प्रीडिसेसर जो है वो एक छोटी वैल्यू को कहते हैं, छोटे नंबर को, इससे छोटे नंबर को। अब देखिए, काउंट करें कि ये कौन सा नंबर है 5698 और ये कौन सा नंबर है 5697। क्लियरली इनकी ये टेंथ पोजिशन से हमें क्लियर होता है कि ये जो है 5698 ये हमारा एक बिगर नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, ये सक्सेसर होगा। आपने सक्सेसर वाले बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से दोनों नंबर्स को कंपेयर करते जाना है। ये आप इसको देखें 3109, 3110। अब आपको पता है ये एक बिगर नंबर है तो इसकी सक्सेसर पे तो टिक नहीं होगा, जाहिर है कि फिर ये एक स्मॉलर नंबर है, इसको हाईलाइट किया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर पे हम टिक करेंगे। सिमिलरली सेम मेथड है, दो दो नंबर्स हैं, आपको पता है काउंटिंग हम कैसे करते हैं। अगर आपको समझ ना आए आप वही रिपीट करें, 1, 10, 100, 4430 और दूसरे नंबर को करें 1, 10, 100, 4429। क्लियर है कि 4429 एक स्मॉलर नंबर है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, प्रीडिसेसर को टिक करेंगे। सिमिलरली आपने ऑल क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपके एक नई एक्टिविटी शुरू हो गई है, 4 तक हमने एंड किया, आज से ये न्यू आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच बॉक्स विच डिजिट डिड यू कम्पेयर। आपने बताना है कि हम किन पोजिशन को कम्पेयर कर रहे हैं और फिर उनको कंपेरिजन के साथ ही आपने लेस देन या ग्रेटर देन के सिंपल को पुट करना है। अब आप देखें ये कौन सा नंबर है 6456, ये कौन सा नंबर है 5640। आप क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है तो आपने उसके साथ वो सिंपल प्लेस कर देना है। उसकी जो आपका नॉर्मली तो ये होता है कि जो नंबर बड़ा हो आप उस जाने के सिंबल के मुंह को ओपन कर देते हैं, तो ये ग्रेटर देन का साइन है। तो आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वंस पोजीशन पे फर्क है, इसको कंपेयर करते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 1, 10, 100, 3906, ये देखिए 3956। क्लियर है कि 3906 एक स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए हम ये वाली बिगर वैल्यू है तो हम इसकी साइड पर ये जो है लेसन के सिंबल को रिप्लेस करेंगे, यानी कि बड़े नंबर की साइड पे हम इसके मुंह को ओपन करेंगे। हमने कहाँ से कंपेयर किया, देखिए 39 और 39 सेम है, ये लास्ट के दो डिजिट्स में फ़र्क आ रहा है, तो हमने टेंस पोजिशन पे हमें पता है कि यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, तो हमने के लिए टेंस। सिमिलरली 9004, ये क्या है जी 8004, तो हमें पता है 9004 एक ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, तो हम ग्रेटर देन के सिंबल को प्लेस करेंगे। कहाँ पर फ़र्क आया, थाउजेंड पोजिशन पर फ़र्क आया, तो हम वो वहाँ पर ये राइट करते जाएंगे। सिमिलरली आपने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी तरीके से, मेथड सेम है, आपने सिर्फ सिंबल प्लेस करना है और कौन से पोजिशन पर फ़र्क आया आपने वो पोजिशन यहाँ पर राइट करनी है। ओके जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह।